से किया जाएगा, डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो किधर मोड़ना हो तो किससे? ये मोड़ने का स्टेप अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको डेकोरेट किया गया। तो हेलो, जय श्री राम मित्रों, मैं अतुल वर्मा अयोध्या से। भाइयों, आज हम फाइनली अयोध्या के सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ आज आ चुके हैं, और ये वीडियो सबसे लेटेस्ट है। हमारी अयोध्या में कुछ नया होने जा रहा है, और जो कि सबसे ज़्यादा वो टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला है, वो जो हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, तो बहुत बेहतरीन डिसीजन है और इसी पे बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हमने अपने वीडियो में कई वीडियो डाला था जो कि बताया था कि अयोध्या में जो कि क्रूज सेवा स्टार्ट होने वाला, तो फाइनली अयोध्या में अब उसका इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब अयोध्या में आ गया है जो कि एक विशाल क्रूज जो कि अब जल्द ही चलने वाला है। तो चलते हैं, आपको पहले उसको दिखाते हैं काफ़ी। सो फाइनली दोस्तों, जो बात कर रहे थे, जो हमारी अयोध्या में क्रूज सेवा जो स्टार्ट होने वाला और जो क्रूज आ चुका है, ये सामने आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको संभाल के जो कि लाया गया है। कहा जा रहा है ये दुबई से इसी कंटेनर पे लटके हुए आए हो, आप इधर चेक कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट भी किया गया। जिस प्रकार से ये प्रभु श्री राम की नगरी में चलने वाला है जो कि अयोध्या क्रूज लाइन, तो उसी प्रकार से ये पूरा क्रूज राम नाम से एकदम सजा हुआ है। इसी प्रकार से आप इस साइड चेक करिए, पूरे जो क्रूज पे आपको बस एक ही नाम जय श्री राम देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस साइड आप चेक करिए, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी विशाल ये क्रूज है जो कि आज के ही दिन लाया गया है हमारी अयोध्या में। और कहा यह भी जा रहा है कि बस जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है जन्माष्टमी से पहले, जो कि 8 तारीख तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो भाई इस साइड आप चेक करिए, कितनी अच्छी अच्छी इस पे रामायण काल की जितनी भी जो घटित घटनाएं हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप इधर से चेक करिए, ये यहाँ से देखिए पूरी रामायण काल को यहाँ पे अच्छे तरीके से दर्शा दिया गया है। तो अब भाई यहाँ से देखिए क्रूज बड़ी कितनी है, तो इस साइड आप चेक करिए, ये पूरा देखिए कितनी बड़ी है। तो भाई बेसिकली आपको ये भी बता दें, ये क्रूज जो बनाई गई है इसके साथ साथ सबसे बेसिक अपडेट ये है कि ये 100 से 150 व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से ये विशाल क्रूज का निर्माण हुआ है, जो कि बेसिकली आपको देखा जा रहा है ये इसी जो कि कंटेनर पे ये लदकर आई हुई है। तो आप देखिए ये कितना विशाल है, तो भाई ये भी देख सकते हैं आप। और बेसिकली उसके साथ साथ इसको इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है, जो कि दिन का जो व्यू है वो तो आपको देखने में ठीक ही लगेगा, बेसिकली नाइट का जो व्यू है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम चलते हैं आपको और उस साइड से भी दिखाते हैं कि दूसरे साइड से भी कैसे बनी हुई है, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और आपको जो हमने बताया कि एक ही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राम नाम, इस साइड चेक करिए। और भाई इस साइड आप देखिए, ये सबसे पहले जो एंट्री आपको इस साइड से देखने को मिल जाएगी, बेसिकली इसके भी लिए जो कि सीढ़ी वगैरह बनाया जाएगा। तो आप ये देखिए प्रेजेंट टाइम में आपको टेम्प्रोरी लगाया गया, तो हम चलते हैं आगे, ऊपर भी आपको चल के दिखाते हैं। तो भाई ये इसकी बाहर बाहर से आउटलाइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है, तो आप यहाँ चेक करिए, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत इस साइड से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। सो यहाँ से आप चेक करिए मित्रों, इस साइड फाइनली जो कि क्रूज का ये टॉप पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से इसी प्रकार से इसको भी डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ से इसकी आउटलाइनिंग कितनी खूबसूरत बनाई गई है इसको। और इस साइड यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है, और इसको और भी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। तो बेसिकली हम आपको थोड़ा सा और आगे चल के दिखाना चाहते हैं कि अंदर में किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट है। आपको जैसा कि सामने यहाँ पे ये एंट्री गेट दिख जाएगा, इधर से ही आपको एंट्री जो कि दिया जाएगा। और चलते हैं आगे दिखाते हैं, थोड़ी बहुत अभी इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ का जो इस साइड का आपको जो व्यू देखने को मिलेगा ये काफ़ी खूबसूरत होने वाला है।
जो कि अभी थोड़ा बहुत इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सीट वगैरह लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भैया लोग काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं। और एक बेसिक चीज़ आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये जो क्रूज़ है भाई ये फुली एयर कंडीशनर है। आप इधर चेक करिए, इस साइड देखिए एसी वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत ये क्रूज़ होने वाला है। तो फिलहाल तो अभी बस इसको काफ़ी अच्छे तरीके से और भी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। तो आप इस साइड देखिए, यहाँ से आप पूरी सरयू नदी का जो व्यू है इस पर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। इस साइड देखिए पूरी यहाँ पे बालकनी वगैरह भी बनाया गया है। तो ये देखिए, और इस साइड भाई आप देखिए ये जो क्रूज़ है यहीं से ही ऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ देखिए इसका नेविगेटिंग करने का पूरा तरीका कितने अच्छे तरीके से इसको भी इंस्टॉल किया गया है। तो आप यहाँ से देखिए इसका नेविगेशन का भी सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और इस साइड देखिए किस तरीके से इसको इसी से ऑपरेट किया जाता है। और इधर भी देखिए भाई लोग बहुत मेहनत से इसको डेकोरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो इसका काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और भाई यहाँ के जो भैया हैं हेड है उनके भी द्वारा इसको चीज़ को अभी हम बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसकी प्राइस है और इसमें क्या क्या चीज़ और भी इंस्टॉल किया जा रहा है। तो आगे चलते दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। इस साइड देखिए, इधर भी जो बैठने की कैपेसिटी इसी प्रकार से दी गई थी। तो यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से ये विंडो वगैरह यहाँ पे लगाया गया। तो भाई की बाहर की खूबसूरती आप बैठे बैठे यहीं से ही देख सकते हैं। तो ये चेक करिए। सो फाइनली दोस्तों ये जो क्रूज़ के अंदर का पार्ट आप देख सकते हैं, हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको डेकोरेट किया गया। तो ऐसे लगता है भाई किसी 5-स्टार होटल में आ चुके हैं हम लोग, जो कि इतने अच्छे तरीके से लाइटिंग वगैरह का भी ध्यान में रख के इसको डेकोरेट किया गया। और सीट वगैरह इसकी इसी प्रकार से इंस्टॉल किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए लगाया जा रहा है। तो भाई बहुत ही गजब हो यहाँ का जो लुक है। फिलहाल हम थोड़ा सा बैठ के दिखाते हैं कितना कम्फर्टेबल बैठने में भी है। तो भाई ये देखिए पूरा, ये देखिए, और इधर भी देखिए कैसे बहुत अच्छे तरीके से भैया लोग काम करें। तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस साइड चेक करिए, ये देखिए पूरा जाना नहीं चाहिए। ये किस चीज़ का काम हो रहा है भैया? ये फिटिंग हो रही है। फिटिंग हो रही है, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 8 तारीख तक चलेगा। जी जी, 8 तारीख से। इसका मतलब क्या, इसका रूट क्या रहेगा भैया? रूट इसका कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इसका चौधरी चरण सिंह घाट से जी जी गुप्तार घाट, गुप्तार घाट तक, मतलब 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा भी, भैया ने बताया कि ये जल्द ही स्टार्ट होने वाला, आज 5 तारीख है, बस 2-3 दिन में ये हमारी अयोध्या में सरयू नदी में जो इसके घाट से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये चेक करिए काफ़ी खूबसूरत है। तो थोड़ा सा ऊपर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। और आप भाई इस साइड देखिए, जो इस क्रूज़ को यहीं से नेविगेट किया जाता है। और हमारे सामने ये भैया हैं जो एक प्रकार से कहा जाए इसके भी पायलट ही होते हैं। तो भाई यही नेविगेट करते हैं। तो भैया जी पहली बात आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा। तो ये बताइए भैया इसको चलाया कैसे जाता है, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताएंगे? जैसे ये एक्चुलेटर है। जी जी जी, ये फॉरवर्ड करोगे हाँ तो गियर में उड़ जाएगा, गियर में उड़ जाएगा। हाँ तो ये धीमे धीमे चलने लगता है। जी जी, और धीमे धीमे एक्सीलेटर है ये बढ़ता है। हाँ तो उसमें तेजी से बढ़ता है। जी, जब सामने कोई किनारा आता है हाँ, तो ये ऐसे न्यूट्रल कर देने का, न्यूट्रल करने का। हाँ। और भैया अगर इसको इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो किस चीज से किया जाएगा? डायरेक्शन अगर चेंज करना हो हाँ, तो किधर मोड़ना हो तो किससे? ये मोड़ने का स्टीयरिंग है। हाँ हाँ, ये अच्छा, ये राइट लेफ्ट दोनों साइड मोड़ने का स्टीयरिंग है। जी भैया जी। और जैसे नॉर्मली बेसिकली जैसे गाड़ी वगैरह चालू होती है चाबी से, इसको भी ऐसे चाबी से ऑन किया जाता है? ये मेंस पावर है। हाँ हाँ, बैटरी का। जी जी, पहले तो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। जी ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसमें ऐसे पावर आ जाता है। हाँ, ये देखिए पावर आ चुका है, देखो। जी जी जी, एकदम पूरा यहाँ से नहीं। हाँ हाँ, इसी प्रकार से, इसी तरह से इसको ये चाबी, दोनों इंजन है। जी, उसका बोर्ड अलग अलग रहता है। जी जी जी, तो यहाँ पे डबल इंजन इसमें लगा हुआ है। हाँ, डबल इंजन लगा हुआ है। जी, ये चाबी ऐसे घुमाओगे हाँ, हाँ, तो स्टार्ट होगा, कोई स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए फाइनली इस चाबी से जो इसका मेन इंजन है, पहला जो स्टार्टिंग इंजन है, ये स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप आवाज़ से भी थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। तो ये पूरा नेविगेटिंग जो कि भैया के द्वारा बताया जाता है। तो भैया ये किसी के डायरेक्शन के लिए है क्या? ये दिशा दिखाते हैं। हाँ हाँ, डायरेक्शन के लिए। हाँ, वो कंपास, हमारे भाषा में कंपास कहते हैं। अच्छा, कंपास। हाँ, आपके लैंग्वेज में कंपास कहा जाता है। हमारे यहाँ पे कंपास कहते हैं। जी 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 जी, तो जैसा कि आपने देखा कि बेसिकली पूरा जो इसका नॉलेजेबल वीडियो यही है, यहीं से ऑन किया जाता है, यहीं से नेविगेट किया जाता है, जो कि भैया ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, ये स्टार्ट होने वाला 8 तारीख को, आइए इसमें बैठिए, एक बार सैर करिए, आनंद लीजिए।
तो थोड़ा सा यहाँ के जो हेड है भैया उनसे जानना चाहेंगे कि ये कब स्टार्ट किया जा रहा है और कितने लोगों की कैपेसिटी इसकी है, तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलते आगे और आपको दिखा। तो सबसे पहले जो यहाँ के भैया इस अथॉरिटी के हेड हैं इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये कब स्टार्ट होगा और ये कहाँ से आया है और किस डेट से स्टार्ट होगा, इसकी कैपेसिटी क्या क्या है। तो भैया पहली बात, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो भैया ये बताइए, जो क्रूज है इसका क्या नाम रखा गया है? जटायु नाम है। जटायु नाम है। तो भैया कब से ये चलना शुरू हो जाएगा? ये जन्माष्टमी के अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन से, मतलब 7 को जन्माष्टमी, 8 से स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया इसमें कैपेसिटी क्या है, बैठने की क्या कैपेसिटी है? इसमें अंदर जो है 75 बैठ जाते हैं। जी जी। 35 का आगे है और 33 का पीछे है। जी जी। फुल एसी है। फुल एसी है जो, और 20-20 ऊपर जो बड़ा हुआ है इसमें 20-20 बंदे ऊपर बैठ जाते हैं। तो लगभग टोटल ये मान के 100+ है। 100+। जी जी। तो भैया ये बताइए कहाँ से लाया गया है इसे? ये दुबई से आया था। अच्छा, दुबई से आया है। दुबई से आया था, गुजरात के रास्ते से होते हुए। जी जी जी। दिल्ली से यहाँ आया। तो इसे कंटेनर से आया है वहाँ से? नहीं, ये गुजरात से कंटेनर। अच्छा, गुजरात से कंटेनर से आया है। तो इसमें डबल इंजन है। जी जी। और अच्छा पावरफुल हुआ है। जी जी। तो उसका भैया क्या मतलब प्रति व्यक्ति क्या चार्ज वगैरह है, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? इसका जो चार्ज है वो 300 रुपये रहेगा। 300 रुपये प्रति व्यक्ति। तो भैया रूट क्या क्या होगा इसका? इसका जो है ये घाट, जो इसका आपका एक घाट है, इसका नाम भूल रहा हूँ। ये चौधरी चरण सिंह घाट से क्या न्यू घाट है ना? जी 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 जी। वहाँ से और आगे जाएगा दूसरे घाट से, वहाँ से गुप्तार घाट तक। गुप्तार घाट से वापसी यहीं पे ही। हाँ, फिर उसकी मतलब एक राउंड वहाँ से ले जाकर फिर वहाँ तक लेके आएंगे, वापसी यहीं आएगा। हाँ, चलिए ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो जैसा कि हमने बताया आपको कि जो क्रूज लाइन ये 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और बेसिकली यही है जो कि प्रति व्यक्ति आपको 300 रुपये चार्ज भी इसका, और ये 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो भाई साहब एक बार स्टार्ट होने से पहले आप लोग आइए, एक बार इसको विजिट करिए और इसके बाद सैर करिए। भाई हमारी अयोध्या में कुछ नया चीज़ है तो इसको ज़रूर आके देखिएगा। तो अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।